सोच रहे हैं कि भाई पढ़ाओ, अब हमने तय कर दिया, हम सब लोगों ने मिलकर के, सात पार्टी एक साथ है, मिलकर के हम लोगों ने तय कर दिया कि अब आगे जो बहाली करेंगे फिर सरकारी बहाली कर देंगे। अब आपको मालूम है बहुत ज्यादा 2 लाख से भी बहुत ज्यादा बहाली होने वाली है और इसी साल सब करने वाले हैं। आज जितने लोग पहले से हैं उनको भी हम रहने देंगे, न रहने देंगे, उनकी भी आमदनी बढ़ाएंगे और कहेंगे कि भाई आप खूब पढ़ाइए और उसके अलावा जितने लोग आएंगे वो तो और सरकारी सेवा में होंगे, पहले वाले का सरकारी सेवा नहीं। पंचायत और नगर निकाय दे रहे हैं पैसा, हम लोग उसमें खत्म नहीं करेंगे, उन सब लोगों को देंगे, लेकिन नई बहाली होगी इसलिए जो बोल रहे हैं बहुत बड़ी बहाली होने वाली है और बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, तो इसलिए ये सब चिंता मत करिए। तो जो आप लोगों को बता रहे हैं कि जितना काम बिहार के हित में और आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से काम किया, और जो जीविका दीदियों का बोले, जब हम नामकरण कर दिया जीविका दीदी, तो उस समय जो केंद्र में सरकार थी वो सब आ गए यहाँ और कहे बड़ा अच्छा काम किए भाई, नाम जीविका दिए हैं और उन्होंने पूरे देश का कर दिया आज जीविका। ये आज वाले का काम नहीं है, ये उस समय का काम है। आप समझ लीजिए 2009 के पहले मौके पर एक समय की बात है, ये 2014 के बाद की बात नहीं है, उसके पहले की बात है। सब आजीविका उन लोगों ने बनाया और कितना ज्यादा हम लोग बढ़ा दिए, तब कितनी ज्यादा महिलाएं हम सब जगह घूम रहे हैं, जाते नहीं है जी, उन लोगों का देखते हैं और सब दिन में उनकी समस्या को देखते हैं, उनको और आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक एक तरह से काम समाज के हर तबके के लिए कितना काम करवा रहे हैं हम लोग, सबको आगे बढ़वा रहे हैं और कौन कौन काम नहीं किया।